गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाय कंचन, रिशु, हिमानी, प्रीति, भारती, रूही, रिंकल, सोनी कुमारी, अंजलि चौहान, गौरव, पायल, आदित्य, नीलम, अ वेरी वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. इम्तियाज अली, सुमित सिंह, मुस्कान, सो सभी बच्चे आ गए. तो क्या करना है आज हमें? हाँ, क्वेश्चन सेशन. आकांक्षा, आई एम हेयर ओनली. बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई है, मैम इज हेयर. आप ज्वाइन कर लो फटाफट से. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. यस आदित्य, प्रमोद, ओके ग्रेट. रूही ने पहले ही एली लिली का नाम ले लिया, वेरी गुड. पूजा खत्री, ओके. सो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमें आज तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं. तो दैट इज, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट द इंसुलिन, देन वी विल डिस्कस अबाउट, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाँ जी, इम्पॉर्टेंटली जीन थेरेपी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स. लेकिन उस ट्रांसजेनिक एनिमल से थोड़ा सा पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. वी विल ट्राई टू कम्प्लीट दैट ऑल्सो. ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट है तीन टॉपिक्स को कम्प्लीट करना. दैट इज, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन दैट वी कॉल एस ह्यूमुलिन. सेकेंड, वी विल डिस्कस अबाउट जीन थेरेपी, इट्स एप्लीकेशंस. एंड थर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एंड इफ The time is enough, then we will switch to transgenic animals, ठीक है? और उसके बाद मैम लेगी आपका क्विज, ठीक है? Because इसके एंड पे आप आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद ही क्विज होगा, ठीक है? सब रेडी है ना क्विज के लिए? एवरीवन इज रेडी? डन? ओके. So, here we go. Great, great, great. चलो, ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो अभी पहले है. एग्जैक्टली सुमित, क्विज तो अभी होगा, जस्ट कुछ देर में. तो इसलिए आप बिल्कुल कॉशियसली केयरफुली ज्वाइन करें, ठीक है? इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम क्विज के क्वेश्चंस, क्विज डिस्कस, टॉपिक डिस्कस करने के बाद क्विज लेंगी इन टॉपिक्स का भी जो हमने एक्चुअली आज पढ़ेंगे. ओके, सो वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अबाउट दिस टॉपिक इंसुलिन. और इंसुलिन पढ़ते हमें 11th क्लास की याद आ जाती है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की याद आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी याद आ जाएगी, और इस तरह से हम थोड़ा सा बैक साइड रिफ्रेश करके आप लोगों से इन बिटवीन में क्वेश्चन पूछती रहूंगी. ओके, गुड. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग, द टॉपिक टुडे दैट इज वी कॉल एज एक्चुअली ह्यूमन इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन. इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. ठीक है, तो फील्ड ऑफ मेडिसिन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने क्या हाथ पैर मारे, वही हमें स्टडी करना है. ओके, डन. चलो जी, ह्यूमन इंसुलिन के बारे में हम क्या ही बताएं, इतना खूबसूरत सा है, खूबसूरत है कि नहीं? हाँ, कैसे खूबसूरत है ये आप बताएंगे. ओके, पहले ही अगर हम इंसुलिन की बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंसुलिन, वी डिफाइन इट एज अ, क्या है ये, हार्मोन है, पक्का पक्का हार्मोन ही है ना. वी डिफाइन इट एज एन पैनक्रियाटिक
पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इट्स अ पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एग्जैक्टली। चलो बेटा ये बता दो, हमारी बॉडी में इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, बेटा ये हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, आप अभी वेट करो तमन्ना, अभी टॉपिक तो स्टार्ट होने दो बेटा। हाँ जी, कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारी ब्लड में होगा एंड इट वुड बी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास। इंसुलिन इज अ पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने पेनक्रियाटिक लिखा तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका जो सोर्स ऑफ ऑरिजिन है वो पेनक्रियास है एंड इट्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड। ओके, सो वी से दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास हमारी बॉडी का, हम ये बोल सकते हैं, इट्स अ वेल डेवलप्ड एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है बेटा? वी ऑल्सो कॉल इट एज, यस, हाँ हाँ, ये किसने अल्फा सा लिख दिया? सोनी बेटा कहाँ पे हो? मिक्स्ड ग्लैंड, और वी ऑल्सो कॉल इट एज हेटीरोक्राइन ग्लैंड। वट इज अ हेटीरोक्राइन ग्लैंड? टेल मी एवरी वन इन द चैट बॉक्स, हेटीरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बेटा? चैट बॉक्स में जल्दी लिख दो। वेरी नाइस रूही, ग्रेट। इट एक्ट्स बोथ एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सो, समझ गए हम। ओके, सो टेल मी हाउ मच पोर्शन ऑफ द पेनक्रियास बिहेव्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, हाउ मच पार्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ और द पार्ट बिहेव ऑफ पेनक्रियास बिहेव्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड and how much of the part behaves as exocrine? Everyone in the chat box, jaldi se beta, kitna portion behave karega endocrine and kitna portion exocrine hoga? Soch rahe ho? Actually jo hamare paas पेनक्रियास होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? दे बिहेव, दे आर एक्चुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज ये जो हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है दैट कंप्राइजेस द 99% ऑफ द पेनक्रियास, व्हाइल एज ओनली 1% ऑफ द पेनक्रियास बिहेव्स एज एंडोक्राइन। ओके बच्चों, इसको लिख लो, छाप लो। एंडोक्राइन पार्ट जो बिहेव करता है दैट इज वी कॉल एज द स्पेसिफिक टिश्यू, वी कॉल एज आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हमें मतलब बस इसी से है, व्हाइल एज एसिनी बिहेव एज एक्सोक्राइन, पैनक्रियाटिक एसिनी बिहेव एज एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस श्रेया। ओके, तो ये जो आईलेट ऑफ लैंगरहैंस में डिफरेंट तरह की सेल्स होती है, ठीक है, एंड वी आर एक्चुअली, सिंस हम इंसुलिन पढ़ेंगे तो हम ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, प्राइमरली एक्चुअली दो हार्मोन इसमें बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट वी कॉल इज एक्चुअली अल्फा सेल एंड बीटा सेल, जो कि हमारे दो इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, प्राइमरली दो इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा सेल विल प्रोड्यूस वॉट? इट विल प्रोड्यूस ग्लूकागन, एंड दिस बीटा सेल विल प्रोड्यूस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज वी कॉल एज इंसुलिन। ठीक है बच्चों, ये सबको क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हमने इसलिए बोला क्योंकि इसमें बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स होती है, इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स। ठीक है, इंसुलिन जो है ये कहां से प्रोड्यूस होता है? इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। एंडोक्राइन पार्ट में एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम नाम देते हैं आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो उसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक सेल होती है दैट वी कॉल एज बीटा सेल, और वही बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? यस, ये जो इंसुलिन एंड एक्चुअली डिफरेंट तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक तो सिनर्जेटिक हार्मोन्स होते हैं, एंटागोनास्टिक हार्मोन्स होते हैं, तो लाइकवाइज ग्लूकागन एंड इंसुलिन दे आर एंटागोनास्टिक टू ईच अदर। एंटागोनास्टिक मीन्स दे वर्क अपोजिट टू ईच अदर। अगर इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, ग्लूकागन हमारे ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा किसके बारे में? दिस इज अबाउट द इंसुलिन। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
हाँ बेटा, बहुत सारी और भी सेल्स हैं, डेल्टा सेल है, एफ सेल है। ओके डन, ग्रेट। चलो जी बच्चों, अब उसके बाद हम यहाँ पे, मतलब हमारा क्या था ये बताने का, इस इंसुलिन मुद्दा हमारा इंसुलिन है, मुद्दे की बात जो है वो है ये इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन में ऐसा क्या है कि हमें, हमारे लिए ये मुद्दा बन गया। इंसुलिन हमारे लिए मुद्दा इसलिए बना क्योंकि अगर हम इस खूबसूरत से इंसुलिन को देखें तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता है। क्या अच्छे काम करेगा? यस, कैन यू टेल मी? ये इंसुलिन जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या करेगा, ये हमारी ब्लड कैपिलरी, इस ब्लड कैपिलरी में क्या है, ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज, और यहां पर है हमारी कोई सेल, ये हमारी सेल और ये ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। सबसे पहले ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन जो है ये हमारी इस सेल को बताएगा, देखो वहां पे क्या हो रहा है, जैसे लॉकडाउन लगा है तो सब कह रहे कहीं जगह से हमें राशन पानी मिल जाए, कहेगा आपके सामने इतना सारा राशन पानी है, यानी कि ग्लूकोज इज हाईली अवेलेबल इन द ब्लड कैपिलरी, गो एंड गेट इट, एब्जॉर्ब कर लो इसको। यानी कि इंसुलिन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, इट हेल्प्स इन सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, कहां से, फ्रॉम ब्लड। ओके, ब्लड में जो ग्लूकोज अभी बट रहा था ये उसको कहेगा जल्दी जल्दी से जाओ और इसको एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, इससे पहले कि चला जाए। डन। लेकिन इसके लिए, मतलब ये एक तरफ से सेल को जगा रहा है, ठीक है, अवेक कर रहा है, ठीक है, जैसे अभी नोटिफिकेशन आ गई आपको कि क्लास स्टार्ट हो गई तो सब बच्चे आगे जुड़ गए, है कि नहीं? सेम लाइकवाइज, अब आपके पास नोटिफिकेशन आई, लेकिन इसके पास क्या आएगा, इसके पास क्या हो जाता है, इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा परमिएबल हो जाती है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, सेल की जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है उसे इंप्रूव कर लेता है, सो दैट बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है वो हमारी सेल में एंटर होके हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाए। ठीक है, ये क्यों चाहते हैं कि सेल्स ग्लूकोज लें? व्हाई? बिकॉज जब सेल्स ग्लूकोज लेंगी, स्पेशली हमारी लिवर सेल्स और हमारे मसल सेल्स, तब जाके वो इस ग्लूकोज को क्या करेंगे, दे विल एक्चुअली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना? एग्जैक्टली, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द ह्यूमंस, गॉट दिस थिंग? सिंस ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि इंसुलिन जो है आपने देखा ये ग्लूकोज को कंबाइन करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन, तो इंसुलिन जो है इसे कहा जाता है एनाबॉलिक हार्मोन। क्या कहा जाता है? इट्स एन एनाबॉलिक हार्मोन। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये आपका नीट बूस्टर पॉइंट बन जाएगा, लिख लो नीट बूस्टर पॉइंट। हमने कहा बेटा ये जो इंसुलिन होता है, हमने कहा इंसुलिन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक, मतलब सेल्स को अवेक कर देता है कि वो ग्लूकोज जो है ब्लड से एब्जॉर्ब करें। ब्लड से एब्जॉर्ब कैसे करेगा, ज्यादा ग्लूकोज, इसका मतलब ये जो इंसुलिन है ये इस सेल की जो परमिएबिलिटी है ग्लूकोज के लिए उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जब मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा परमिएबल होगी ग्लूकोज के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज एंटर होगा, ज्यादा ग्लूकोज एंटर होगा तो सिंपल सी बात है, स्पेशली जब हमारी लिवर सेल्स और मसल सेल्स ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी, देयर वुड बी इनफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन दैट इज एक्चुअली द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिंस ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में, तो इसे हम नाम देते हैं एनाबॉलिक हार्मोन, वी कॉल इट एज एनाबॉलिक हार्मोन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंसुलिन का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, विच इज द अर्लीस्ट नोन हार्मोन, इंसुलिन इज ऑल्सो सेड टू बी एज द अर्लीएस्ट
नोन हार्मोन, दिस इज ऑल्सो ए नीट बूस्टर पॉइंट हियर। ये आपका डाइजेस्टेशन से भी रिलेट किया जा सकता है, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम से भी रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, हमने कहा बेटा ग्लूकोज जो है, जो हमारी लीवर सेल्स और मसल सेल्स जो है, वो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करती है, दे कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने कहा इंसुलिन जो है एक एनाबॉलिक हार्मोन है, एंड इट्स द अर्लीस्ट नोन हार्मोन, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, क्लियर हुआ सबको? डन। वो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है बेटा, फर्स्ट डिस्कवर्ड और फर्स्ट नोन जो है वो अलग अलग है। आइसोलेटेड किसको किया गया और जिसको स्टडी किया गया, दोनों का डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम इस लीवर की अगर बात करेंगे तो आप, हम ये बोल सकते हैं कि लीवर और मसल सेल्स में तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, तो हम बोलेंगे इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइको नियो ग्लाइकोजेनेसिस हो गया यहां कि नहीं। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अब हम कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में, हमने तो मतलब ये रोल पढ़ लिया इंसुलिन का क्या है, इंसुलिन का हमने बेसिक मुद्दा यही बताया कि इंसुलिन का काम है कि जो हमारी जो ब्लड है उस ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज लेवल को कम करना, लोअर डाउन द ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड, दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो अब अगर ये इंसुलिन नहीं होगा, अब अगर ये इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, वही हमारा मसला बना। अब देखा गया कि मोस्ट कॉमनली डिजीज जो है वो क्या है, एक रिपोर्ट की गई दैट वॉज एक्चुअली सेड टू बी एज डायबिटीज माइलेटस, ठीक है। अब इस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से क्या होगा कि सिंपल सी बात है, सिंस ये ब्लड से ग्लूकोज अपटेक को इम्प्रूव करवा रहा था, सेल्स बहुत ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पा रही थी, लेकिन अब अगर इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सेल्स का जो सेलुलर अपटेक जो था इंसुलिन के लिए, वो डिक्लाइन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इस कंडीशन में हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल, नॉर्मल ग्लूकोज का जो लेवल हमारे ब्लड में है वो बढ़ जाएगा, उस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मींस अब नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। जैसे हम नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो ग्लूकोज की बताते हैं, दैट इज सेड टू बी 100 to 130 मिलीग्राम्स पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, दिस इज द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज। लेकिन अब अगर इससे ज्यादा बढ़ गया, सपोज 150 हुआ, 160 हुआ, ठीक है, सो दैट इज दैट कंडीशन इज वी कॉल एज हाइपरग्लाइसीमिया। और यही हाइपरग्लाइसीमिया, कंटिन्यूड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन अ डिजीज दैट वी कॉल एज डायबिटीज माइलेटस। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, वेरी नाइस रूही, यशी। ओके, क्लियर। इवन इस कंडीशन में क्या देखा जा सकता है, देखो ये पॉइंट्स कभी पूछे भी जाते हैं, दैट कि ये जो पेशेंट होगा, इस पेशेंट में क्या हो जाता है कि जो उसका यूरिन जो होता है उसके साथ बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन ऑफ द पेशेंट, दैट कंडीशन वी कॉल एज, बताओ जी। निधि, हाँ जी बेटा, हाँ, कीटोन बॉडीज भी बढ़ जाएंगी, एग्जैक्ट, क्यूटो यूरिया भी होगा। ओके, दैट वी कॉल एज यूरिग्लाइसीमिया। That we call as glycosuria. Okay, increased concentration of glucose in the urine is we call as glycosuria. और इन patients में mostly क्या होता है, उन्हें बार बार urination की problem होती है, diuresis.
मीन्स फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन। फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये था कि इस बीमारी को कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने कहा कि पहले पहले इस डायबिटीज मेलिटस बीमारी को ट्रीट, हमारा मुद्दा था कि इस बीमारी को ट्रीट करना है, डायबिटीज मेलिटस। अब इस डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? दैट इज, यहां पे इन्होंने पहली बार ह्यूमुलिन बनाया। ह्यूम्यूलिन एक ऐसा इंसुलिन जो बिल्कुल हमारे ह्यूमन इंसुलिन जैसा ही है, जिसमें प्रोटीन्स का नेचर जो है बिल्कुल वही है जो हमारे नॉर्मल ह्यूमंस का होगा, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने डायबिटीज माइलेटस को ट्रीट किया बाय द सिंथेसिस ऑफ दिस ह्यूम्यूलिन। इज दैट क्लियर? ओके, कीटोन यूरिया, हाँ जी ये भी होगा, गॉट दिस थिंग। देखो अभी क्या कहा जाता है, पहले पहले जबकि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने इस पे हाथ पैर नहीं मारे थे, तो बिफोर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज इनिशिएटेड, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता था, दिस डायबिटीज माइलेटस डिजीज इट वॉज ट्रीटेड बाई डायरेक्टली इंजेक्टिंग। कहां से किया जाता था? इंसुलिन जो है, इंसुलिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम, हाँ, स्लॉटर्ड कैटल्स, स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स, इजंट इट? सो डायरेक्टली क्या किया जाता था, कैटल जैसे काउ से या पिग से इंसुलिन को निकाला जाता था और उसे इंजेक्ट किया जाता था ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो काउ के अंदर का जो इंसुलिन या पिग्स के अंदर का जो इंसुलिन है उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू आवर ह्यूमन इंसुलिन। सो यहां पर इनिशिएट होता था क्या, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो जाती थी जो कि बहुत फैटल भी प्रूव हो सकती थी। देयर वॉज एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन या बाकी ऐसी भी फैटल रिएक्शन हो सकती थी, दैट कैन इवन लेड टू अदर डिसऑर्डर्स और इवन कैन लेड टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। इवन नॉट ओनली दिस, ड्यू टू सम रिलीजियस इश्यूज की वजह से भी इसे यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका कभी क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि इनिशियली जो इंसुलिन जो है, जैसे हमने कहा कैटल से निकाला जाता था या पिग से आइसोलेट किया जाता था, इस तरह के इंसुलिन को क्या कहा जाता है, कैन यू टेल मी? एक होता है बोवाइन इंसुलिन। अर्लियर क्या यूज किया जाता था? बोवाइन इंसुलिन एंड नेक्स्ट वॉज पॉर्सिन इंसुलिन, ओके। व्हाट डज बोवाइन इंसुलिन मीन? ओके, वेरी गुड बेटा, रिलीजियस टर्म्स के थ्रू, जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट एनिमल, जैसे काउ को हमारे पास जो हिंदू रिलीजन होता है, दे ट्रीट इट एज अ सैक्रेड एनिमल, इजंट इट? सो उसको किल करके वहां से इंसुलिन निकाला, दैट वाज टोटली नॉट फेयर। इवन मुस्लिम्स में दे डोंट इवन टेक द नेम ऑफ पिग और इवन कांट इवन बेयर टू सी अ पिग। सो इन सारे इश्यूज की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते थे डायरेक्टली, ये जो इंजेक्शन था दैट वाज नॉट ए गुड स्टेप, ओके। या बोवाइन में हमारे पास इफ द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम, यस दैट इज वी कॉल एज कैटल्स से बोवाइन इंसुलिन निकाला गया एंड पिग से जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया गया दैट इज सेड टू बी एज पॉर्सिन इंसुलिन, ओके। हाँ बेटा एग्जैक्टली, क्योंकि यशी उसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट था और हमारी ह्यूमन इंसुलिन का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, ठीक है। ये तो इनिशियल अप्रोच था किस तरह से पहले पहले इंसुलिन को कैसे ट्रीट किया जाता था, सबको क्लियर हुआ।
बेटा ग्लाइकोसो यूरिया हो गया कि जब यूरिन में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है उसे हम ग्लाइकोसो यूरिया कहते हैं। ओके क्लियर? नाउ अब क्या किया गया, अब इन डायबिटीज को भी ट्रीट करना था, वो भी मुद्दा था, अभी तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। अब इस डायबिटीज माइलेटिस इसको ट्रीट करने के लिए अब बनाया गया क्या, ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, किसने बनाया, हमारी दो इंपॉर्टेंट कंपनीज, जैसे एक कंपनी के बारे में तो लिखा गया है फार्मेटिकल कंपनी, दैट इज वी कॉल एज एली लिली, बट इन कोलैबोरेशन विद रैनबैक्सी को, एली लिली इन कोलैबोरेशन विद रैनबैक्सी को दे फॉर्म द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन। सिंस हमने कहा जो एनिमल सोर्स से जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था उसकी वजह से काफी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस डेवलप होती थी, एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होती थी, जो बहुत ही ज्यादा फैटल भी प्रूव हो पाती थी, तो इसीलिए एनिमल सोर्स को हटा के अब सबका ध्यान किस पे गया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो है, क्या पता यहां से हम अपने इस ह्यूमन को प्योर केमिकल कंपोजिशन वाला इंसुलिन डेवलप करें। ठीक है, ह्यूमन सोर्स का। ओके यस, एली लिली ने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो इंसुलिन, अगर देखा जाए इंसुलिन का स्ट्रक्चर स्टडी किया। ठीक है ओके इन्होंने इंसुलिन को स्टडी किया, देखा कि इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन इंसुलिन, ये जो ह्यूमन इंसुलिन जो है, आई एम यूजिंग नाउ अ डिफरेंट इंक कलर, जब ये पेनक्रिया से रिलीज होता है तो ये रिलीज होता है पहले एक स्टेट में जिसे कहा जाता है प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। ओके सो वी कैन से प्रो इंसुलिन जो है इट इज द प्रीकर्सर ऑफ इंसुलिन, यानी कि यही प्रो इंसुलिन आगे किस में कन्वर्ट होता है, इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है सो ये जो प्रो इंसुलिन जो है इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एनसीईआरटी पे इसका डायग्राम काफी अच्छा बनाया गया है, दिस इज द ए चेन, ओके दिस इज द ए चेन, दिस इज द बी चेन एंड देयर इज अनदर चेन ऑल्सो हियर, लेट मी यूज दिस कलर फॉर इट। इस चेन का नाम जो है दिस इज वी कॉल एज एक्चुअली, हां जी ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर वाली बताई, दिस इज वी कॉल एज सी चेन। तो मतलब प्रो इंसुलिन में हमारे पास ए चेन है, बी चेन है और सी चेन है। इसका अरेंजमेंट अगर लिखना हो तो ए सी एंड बी। ठीक है तो अगर हम बात करेंगे ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स मीन्स दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ, वेरी गुड, दे आर मेड अप ऑफ एक्चुअली एमाइनो एसिड्स, बट रिमेंबर दैट यहां पर कौन से एमाइनो एसिड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन दिस इंसुलिन। इज दिस क्लियर, सबको क्लियर हो गया? यस। तो एक्चुअली क्या कहा जाता है कि प्रो इंसुलिन जो होता है इसमें तीन चेन्स है, ए चेन, बी चेन और सी चेन। सी चेन को हम लिंकर चेन भी कहते हैं, इसे हम नाम देंगे लिंकर चेन, क्योंकि इस लिंकर चेन का काम क्या होगा, इसका काम होगा टू ब्रिंग दिस ए चेन एंड बी चेन क्लोजर, ताकि ए चेन और बी चेन जो है क्लोज, एक दूसरे के क्लोज आए। हमने कहा ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होंगे, जब वो एक दूसरे के अब साथ अप्रोच करेंगे दे विल डेवलप डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते ही ये सी चेन जो है ये बोलेगा मेरा काम हो गया, टाटा बाय बाय, ठीक है अब हम तो चले परदेसी। हाँ तो इसका मतलब अब हमारा जो ये प्रो इंसुलिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन, प्रो इंसुलिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन। एंड इंसुलिन में अगर हम देखेंगे उसमें जस्ट एंड जस्ट कितनी चेन्स होंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी यही दो चेन्स होंगी, कौन कौन सी, यस वन वी कॉल एज द ए चेन, हाँ ये सबको पता होगा मुझे पक्का पता है,
ए चेन एंड दिस इज अनदर वी कॉल एज बी चेन. ओके, तो दिस इज द ए चेन एंड बी चेन, दे आर हेल्ड टूगेदर विद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ओके, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, क्लियर? हाँ, यस एग्जैक्टली. तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है आपके अमाइनो एसिड से, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारे पास ए चेन होती है, बताओ ए चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? ए चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 21, 21 मतलब 21. बी चेन में 30 और सी चेन में, कोई गेस? एवरीवन कैन यू टेल मी द आंसर? 35. तो मतलब प्रो इंसुलिन में अगर देखा जाए तो मैथ करो जरा कितना हुआ ये, आई गेस 3, 2, 5, 6, 7, 8. 86 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन. वेरी नाइस, गुड. व्हाइल एज इंसुलिन में सिर्फ ए चेन है और बी चेन है, मतलब 21 प्लस 30, तो टोटल कितना हुआ बेटा? इट मींस इंसुलिन में होंगे 51 अमीनो एसिड्स. ठीक है, गुड. ओके, अब जो एली लिली और रैनबैक्सी को है, इन्होंने कहा हमें क्या ही चटी है कि हम इस सी चेन को भी बनाएं. हमें पता है कि जो एक्चुअली एक्टिव इंसुलिन जो है वो क्या है, उसमें सिर्फ दो ही चेन्स हैं, तो हम यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, हम दिमाग प्रो इंसुलिन पे नहीं लगाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे कहाँ पे? इंसुलिन के बनाने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, सिंस ए चेन को हमने कहा ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन जहां पर दिमाग में आता है, प्रोटीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसके पीछे पड़ जाएगा. इसको पता होगा कि इसका भी कोई एमआरएनए होगा, उस एमआरएनए का भी अपना जीन होगा, यानी कि द जीन दैट कोड्स फॉर ए चेन उसको आइसोलेट किया जाएगा और द जीन दैट कोड्स फॉर बी चेन, हाँ बी चेन के लिए जो जीन कोड करेगा उसे भी आइसोलेट किया जाएगा. इन दोनों चेन्स को अलग अलग से सेपरेटली सिंथेसाइज किया जाएगा, ए चेन को अलग से सिंथेसाइज किया जाएगा, बी चेन को अलग से सिंथेसाइज कराया जाएगा, फिर इन दोनों को फ्यूज करके हम अपना ह्यूमन इंसुलिन बना लेते हैं. एग्जैक्टली, ठीक है बच्चों, समझ आया? अब देखो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो इतना इजी नहीं पूछा जाता. अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा. ये सबको क्लियर हुआ बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस गौरव, गुड, ग्रेट. ओके, चलो जी, इतना तो आप लोगों ने बता दिया, आई एम हाईली इंप्रेस्ड. अब मुझे आप बेटा ये बताओ, यहां पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट बूस्टर क्वेश्चन, वो है कि ये जो हम ए चेन को अलग से सिंथेसाइज कर रहे हैं, बी चेन को अलग से सिंथेसाइज कराया जाएगा, तो ये ए चेन को सिंथेसाइज करने के लिए और बी चेन को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा प्लाज्मिड यूज किया गया? Can you name the plasmid that was used to synthesize the A and B chain? बेटा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड. मैम ने प्लाज्मिड पढ़ाया? हाँ पढ़ाया, वेरी गुड, जीते रहो. इकोलाई कब से प्लाज्मिड बना बेटा? मुबारक हो आपको. प्लाज्मिड यूज्ड इज PBR322, पक्का पता था मुझे, यहां गलती करोगे. एंड होस्ट सेल, जो हम होस्ट सेल यूज करते हैं, द होस्ट सेल फॉर सिंथेसाइजिंग दीज ए एंड बी चेन सेपरेटली, दिस इज वी कॉल एज एक्चुअली दैट इज इकोलाई. कहां घूम रहे हो? और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यहां पर जब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जब की जाती है, तो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, बता सकता है कोई? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्यूरिफिकेशन के लिए
कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? हाँ, यस, शाबाश, गुड मॉर्निंग शहनवाज। अब आपका मॉर्निंग हो गया। नोबडी कैन गिव द आंसर। दैट वी कॉल एज साइनोजन ब्रोमाइड। साइनोजन ब्रोमाइड, इट्स यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ओके, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। डन। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने लिख लिया। अब एक और नीड बूस्टर पॉइंट जो रहता है वो है हमारे पास कि ये इंसुलिन जीन जो है, इंसुलिन जीन ये किस क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है? बीटा सेल के किस क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है? इंसुलिन जीन बीटा सेल के किस क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कैन यू टेल मी? सिक्सटीन, मिनहाज, शाबाश। और कोई तुक्का? गौरव रॉय, मौके पे चौका। एग्जैक्टली, दिस इज द 11th क्रोमोसोम। थर्टीन कहाँ से आया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसुलिन जीन जो होता है ये हमारे बीटा सेल के 11th क्रोमोसोम पे पाया जाता है। 11th क्रोमोसोम में स्पेशली जो शॉर्ट आर्म होती है, शॉर्ट आर्म, रिमेम्बर दिस थिंग, दिस इज द शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म के टॉप पे पाया जाता है ये। लोकेशन ऑफ इंसुलिन जीन भी समझ आ गया। ठीक है बच्चों, अब कोई भी क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व ना हो, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल ना। ओके, सारा जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आई हैव डिस्कस्ड इट एवरीथिंग। ओके बच्चों, डन। इंसुलिन इज क्लियर टू एवरीवन? दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअली ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, कितने बच्चों को समझ आया? सबको समझ आया तो जल्दी जल्दी से अच्छी अच्छी सी स्माइलीज भेज दो, हार्ट भेज दो, हार्ट, रेड हार्ट। जोर लगा के। हाँ, अब मजा आएगा चैट बॉक्स को देखने में। वाओ, सो चैट बॉक्स इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। चलो जी, हाँ ओफो, तमन्ना, बड़े दुख की बात है। ओके डन। चलो जी बच्चों, थैंक यू सो मच। ये किसका दिल टूट गया? ओके, एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसमें आई गेस कोई भी क्वेश्चन अब ऐसा नहीं होगा जो आपका नहीं बन पाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग। ओके, यस, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वी आर हैविंग हियर। बताओ जरा क्या टॉपिक है नेक्स्ट? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस?
ओके प्यारे बच्चों, बस 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 बस, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। वेरी नाइस, रूही ने मौके पे चौका मार दिया और अंजलि ने। हाँ, करिश्मा, सिमरन, चेष्टा, ट्विंकल, साहिल, शाबाश। सो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अब है, दैट इज अबाउट जीन थेरेपी। ओके, बड़े मजेदार टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार। ओके, तो जीन थेरेपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बोलो जी, कोई अपना ज्ञान शेयर करे, इससे पहले कि आप शेयर कर दो मैम बता देंगे। देखो जी, जीन थेरेपी, थेरेपी देना, ठीक है, किसकी, जीन की। क्यों, क्या पता इसका अपना जीन खराब हो चुका हो। यानी कि जीन थेरेपी अगर हम देखेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी वेरी, वी कैन से, अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, जीन थेरेपी मीन सिंपली, जैसे किसी की टांग टूट गई, ऊपर वाला ना करे, हम असली वाली टांग तो नहीं लगा सकते, लेकिन नकली टांग लगा के, आर्टिफिशियल टांग लगा के हम उसको ठीक कर सकते हैं। वो चल उठ सकता है, खड़ा रहेगा, लेकिन चल नहीं पाएगा। लेकिन वो केस यहाँ पर नहीं है। अब आप ऐसे सोचो कि किसी का, हमने कहा कि किसी की किडनी फेल हो गई, किसी की किडनी फेल हो गई, तो हमने उसको डोनर मिल गया, लकीली उसे डोनर मिल गया, उसने किडनी डोनेट करी, ठीक है, और ये बंदा दोबारा से नॉर्मली ठीक हो गया, ठीक है, वो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं। जिस तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, वैसे ही हमारे बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इसने सेल के जीन्स को, अगर इन जीन्स में कोई भी डिफेक्ट है, कोई म्यूटेटेड जीन है, डिफेक्टिव जीन है, उसे रिमूव करके एक हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कराया। किसने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक ब्रांच ने, दैट वी कॉल एज जीन थेरेपी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, टूट ही गई पूरी तो क्या ही करोगे। जीन थेरेपी इज एक्चुअली द रिप्लेसमेंट ऑफ, किसका रिप्लेसमेंट, डिफेक्टिव जीन, ये था डिफेक्टिव जीन। ओके, इसको किससे रिप्लेस किया गया, विद हेल्दी एंड फंक्शनल जीन, हेल्दी और फंक्शनल जीन, ये रहा हमारा हेल्दी फंक्शनल जीन, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअली जीन थेरेपी। ओके, डन। हाँ जी, ओके। अब ये जीन थेरेपी जो है, दो टाइप्स की होती है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, जीन थेरेपी में बेटा दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक हम सोमैटिक जीन थेरेपी कहेंगे, सोमैटिक जीटी, और दूसरा जिसे हम कहते हैं जर्म लाइन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी। सिंपल सी बात है, अगर हम वो डिफेक्टिव जीन किसी सोमैटिक सेल में रिप्लेस करवा रहे हैं विद हेल्दी जीन, तो दैट इज वी कॉल एज एक्चुअली, अगर सोमैटिक सेल्स को यूज किया जा रहा है, सोमैटिक सेल से डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके हेल्दी जीन इंसर्ट कराया जा रहा है, दिस इज वी कॉल एज सोमैटिक जीन थेरेपी। ओके, और जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या हुआ कि अगर वो डिफेक्टिव जीन हम किसी जर्म सेल में रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ जी, जर्म सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में रिप्लेस करवा रहे हैं, उससे हेल्दी जीन से रिप्लेस करवा रहे हैं, देन दैट इज वी कॉल एज एक्चुअली जर्म लाइन जीन थेरेपी। और इन दोनों में सबसे बढ़िया जो है, हाईली इफेक्टिव जो है, वो कौन सा होता है, दैट इज वी कॉल एज जर्म लाइन जीन थेरेपी, दिस इज हाईली इफेक्टिव, ठीक है बच्चों।
ओके ओके बच्चों, मैं कोई दूसरा कलर यूज करूंगी। आई विल यूज व्हाइट, व्हाइट। ओके, अब हम देखते हैं कि कहां पर हमने इस जीन थेरेपी को यूज किया। ओके, डन। सो पहली बार, फर्स्ट, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। बाल देखकर सभी बताएंगे कौन है, क्यूट सी लड़की है। ओके, किस पे कराई गई? फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज परफॉर्म्ड ओवर, यस, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, 4 साल की छोटी नन्ही सी गुड़िया, 4 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, किस ईयर में? ईयर भी मेंशन है तो एनसीईआरटी ने दिया है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। दिस ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड द ईयर इज 1990। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश, गुड गुड गुड। हाँ, इस बच्ची को, ये जो छोटी सी गुड़िया थी, इसको क्या प्रॉब्लम थी? इसमें एक प्रॉब्लम थी जिसको कहा जाता है एक्चुअली स्किड। इसमें देखा गया दैट दिस 4 ईयर गर्ल वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट वी कॉल एज स्किड, दैट इज रेड एज सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो बात आई तो मतलब क्या हुआ? इम्यून सिस्टम टारगेट हो रहा है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इस बीमारी में बहुत सप्रेस हो रहा है। ये स्किड क्यों हुआ? क्यों इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ? इम्यून सिस्टम इसलिए सप्रेस हुआ क्योंकि कोई एक एंजाइम है, ठीक है, जो इस एंजाइम, एक्चुअली इसमें एक एंजाइम जो है वो एब्सेंट है। एक एंजाइम, एक एब्सेंट है जो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक सेल्स को बनाता था, वो सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती थी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्किड जो है ये किसकी वजह से हुआ? दैट वॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडीए जीन। ओके, स्किड में क्या हुआ? स्किड में डेफिशिएंसी हुई, एंजाइम का नाम था एडिनोसाइन डीएमिनेस, डीएमिनेस, एडिनोसाइन डीएमिनेस कम हो गया। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई। जब हमने देखा एंजाइम तो हमारा दिमाग लग गया, एंजाइम फिर से आया, ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंजाइम की कमी हो रही है, एंजाइम की कमी हो रही है, एंजाइम की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास वो जीन ही नहीं है कि जो, या तो इसका वो जीन जो इस एंजाइम को बनाता वही एब्सेंट हो गया है या वो डिफेक्टिव हो गया है, म्यूटेशन हो चुकी है उस जीन में। फिर से बता रही हूं बेटा, SCID जो है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक्चुअली 4 ईयर गर्ल में देखा गया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अ जीन दैट वी कॉल एज एडीए, एडीए डिफिशियंसी हो, एडीए जीन की डिफिशियंसी हुई। इस जीन का क्या रोल था? इस जीन का ये रोल था कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता था जिसका नाम था एडिनोसाइन डीएमिनेस। नाउ इफ यू लुक टू व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस एडिनोसाइन डीएमिनेस, ध्यान से सुनना, ये एडिनोसाइन डी अमिनेस जो है ये हमारे बोन मैरो के जो सेल्स होती हैं, स्पेशली जो लिम्फोसाइट्स होती हैं,
ये उन लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, यानी कि लिम्फोसाइट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज टू इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। यानी कि ये हमारे पास ये जो एडिनोसाइन डी एमिनेस एंजाइम जो था, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो गई बॉडी में। कमी जब हो गई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की, तो मतलब इसका ये हुआ, आपको पता है कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड टी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, है कि नहीं? तो मतलब दोनों के दोनों इम्यून सिस्टम्स ठप, इम्यून सिस्टम्स दोनों के दोनों ब्लॉक, खत्म। कौन कौन सा? सेल मीडिएटेड भी और एंटीबॉडी मीडिएटेड भी। तो इस लड़की को दिक्कत हो गई, बच्ची को दिक्कत हो, ये हो गई, इसको ऐसी कंडीशन पे रखा गया जहां पे 100% स्टीरैलिटी थी। ठीक है, समझ आया? यस, एग्जैक्टली, यस। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है यहां तक? ये सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, सिंड्रोम पे लड़ रहे हो। हाँ, सिंड्रोम हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिंड्रोम वो होता है, दैट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डिजीज। ओके, तो अब क्या किया जाएगा? हमने कहा कि एडीए जो बी लिम्फोसाइट्स और सो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन पा रही है, तो इस बच्ची का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा सप्रेस हो जाएगा। अब इसका इलाज क्या था? इसका इलाज दिया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने। इसका इलाज दिया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने। ओके, क्या इलाज दिया वो ध्यान से समझो। इसका मतलब अब हमें ये पता चल गया, ये जो लड़की थी इसके अंदर जो एडीए जीन था, एडीए जीन वो क्या, उसका क्या हुआ कि वही एडीए जीन जो है वो डिफेक्टिव हुआ है। तो अगर हम किसी तरीके से इस एडीए जीन को रिप्लेस करेंगे, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करेंगे हेल्दी जीन से, तो हमारी ये लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, हेल्दी। ओके, दिस इज द केस। अब ये काम किया किसने? जीन थेरेपी ने। ओके, सो जीन थेरेपी जो है, ध्यान से आप इस पॉइंट को सुन समझो बेटा, यहां तक तो सब समझ लेते लेकिन यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जीन थेरेपी चिल्ड्रंस में दो तरीकों से की ट्रीट की जाती है। एक होता है हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यही होता है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एंड द सेकेंड इज वी कॉल एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है बच्चों, नहीं बेटा आपको अभी आंसर पता चल जाएगा। ये दोनों ट्रीटमेंट्स जो है ये दोनों टेम्पोररी हैं, ये परमानेंट क्योर नहीं है, दे आर टेम्पोररी इन नेचर। क्यों? वही कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद पूछो। अब देखो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, इसमें जैसे ये वो डिफेक्टेड बच्ची है, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इसके टी लिम्फोसाइट्स को निकाला जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स स्पेशली याद रखिए, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इन्हें आइसोलेट किया जाएगा, दे वुड बी आइसोलेटेड।
दे वुड बी कल्चर्ड। इनको आइसोलेट करके क्या किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा और इनमें एक हेल्दी एडी जीन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हेल्दी ए डी ए जीन, जैसे ये लिम्फोसाइट्स है और ये है हमारा वो हेल्दी एडीए जीन, दिस इज द हेल्दी एडीए जीन। लेकिन इस हेल्दी एडीए जीन को इस लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर लाने के लिए हमें यहां पर क्या यूज करेंगे, वी विल यूज स्पेशल थिंग्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेट्रोवायरस, रेट्रो वायरसेस। ओके, यस, हेल्दी एडीए जीन। देखो ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्दी एडीए जीन ऐसे थोड़ा ना इसके अंदर इन लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया जाएगा, इन हेल्दी एडीए जीन्स को लिम्फोसाइट्स के अंदर डालने के लिए जो वेक्टर यूज किया गया दैट वाज रेट्रोवायरस। ओके, सो लेकिन इस रेट्रोवायरस को पहले डिसआर्म किया गया था, इट वॉज एक्चुअली डिसआर्म्ड, यानी कि इसकी जो वायरुलेंस थी उसे हटाया गया और उसकी जगह पे ये हमारा एडीए जीन इंट्रोड्यूस कराया गया और तब जाके ये किसमें डाल दिया गया, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टी लिम्फोसाइट्स। मतलब अब ये टी लिम्फोसाइट्स जो है ये कैसी हो गई, नाउ यस वी विल से दैट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक्चुअली यहाँ पे यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी आप बेटा उसको बस सीडीएनए से याद रखो, क्योंकि ये जो हमारे पास जो हेल्दी एडीए जीन का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज किया जाता है रेट्रोवायरस की बाइंडिंग के साथ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ स्प्लिट जीन्स। ठीक है, सो अब इस जीन को ये डिसआर्म जो हमारे पास ये जीन है अभी टी लिम्फोसाइट्स के साथ मर्ज अप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यही हमारे पास अभी टी लिम्फोसाइट्स, अब टी लिम्फोसाइट्स नहीं रहे, ये अब हमारे पास इंजीनियर्ड या ये दीज आर रिकम्बिनेंट और इंजीनियर टी लिम्फोसाइट्स। इन्हीं टी लिम्फोसाइट्स को अब हम किसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, दे वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस गर्ल। ओके, सो जब ये टी लिम्फोसाइट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे अंदर तो ये क्या करेंगे, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे, लेकिन इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया लेकिन अगर हम बात करेंगे ये जीन, ये टी लिम्फोसाइट्स जो होती है इनका लाइफ स्पैन उतना तो नहीं होता। ठीक है, कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएंगी, ये मर जाएंगी। ठीक है, बिकॉज उनका कोई ये, दे आर नॉट इमोर्टल, दे आर मॉर्टल। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट तो सही रहा लेकिन इसको बार 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 हमें इन्फ्यूजन करवाना पड़ेगा, जो ये गर्ल है हमारी, गर्ल चाइल्ड जो थी, इसे बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, इट वुड बी कॉन्टिन्यूअसली इन्फ्यूज्ड विद दीज टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि एक तरफ से ये इसका परमानेंट क्योर जो है वो नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स जो है दे आर नॉट इमोर्टल, दे आर नॉट इमोर्टल मीन्स दे आर मॉर्टल इन नेचर, वो मर जाते हैं, कुछ डेफिनेट लाइफ स्पैन होगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि हमें बार बार इसको, जो हमारे पास इफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसको बार बार हमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किया जाएगा, ये पूरी बॉडी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस तरह की सेल्स का जो नंबर है वो बहुत कम डिक्लाइन हो जाता है। ओके, यस, नेक्स्ट इज वी कॉल एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में सिंपली क्या दिए जाते हैं, ये जो हमारे पास एडिनोसाइन डीएमिनेस के इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, इंजेक्शंस बनाए जाते हैं किसके, एडिनोसाइन डीएमिनेस की, और वही इंजेक्शंस पीरियोडिकली इंसर्ट किए जाते हैं इफेक्टेड इंडिविजुअल्स में। लेकिन कब तक ही एंजाइम्स देते जाएंगे, मतलब ये एक परमानेंट क्योर नहीं है, दीज टू टेक्निक्स आर नॉट परमानेंटली क्योरेबल। ओके, सो अब क्वेश्चन ये आया कि फिर क्या किया जाए, जीन थेरेपी ने बोला कि अगर हम यही टेक्निक, बिल्कुल यही टेक्निक अगर हम ये अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज में परफॉर्म करेंगे, यानी कि अर्ली जो हमारा कॉन्सेप्टस होता है, कॉन्सेप्टस मींस कि न्यूली फर्टिलाइज्ड जायगोट, जो फर्टिलाइज्ड ओवम दैट वी कॉल एज जायगोट, जायगोट के इनिशियल स्टेज में जो हमारी एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है, अगर हम वो टेक्निक के थ्रू, बिकॉज ऑफ यू नो दैट जीन थेरेपी जो है इट्स हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आपको पता है कि फीटल लाइफ में भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करवा सकते हैं वाया द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस, इजंट इट, हाँ, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रिमूव करके हम ये स्टडी कर सकते हैं कि इस फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसे रिमूव करेंगे, उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करेंगे विद हेल्दी जीन, तो ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ,
वेरी गुड सिमरन। सबको क्लियर हुआ? एवरीवन मस्ट रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। देखो इस जीन थेरेपी को हमने एक तो बोला सिस्ट इसके लिए भी यूज करते हैं, ओके? इवन इट हैज बीन यूज्ड आल्सो, ये भी यहां पर पॉइंट लिखना। एक तो हमने कहा स्किड के लिए हमने इसको यूज किया, इवन इट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट मस्क्यूलर डिस्ट्रॉपी जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, एज वेल एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके? डन। चलो जी सही बात है। नहीं बेटा जायकोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट हैज ऑल्सो बीन ट्रीटेड, लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट्स क्लियर नहीं है बेटा। जो अभी तक श्योर रिजल्ट्स है, स्टिल वर्क इज कॉन्टिन्यू, अभी वर्क कॉन्टिन्यू है इस जीन थेरेपी पे, लेकिन अभी जो हमारे रेयर रिजल्ट्स जो आए हैं वो तीन पे ही आए हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एससीआईडी। फिनाइल कीटोन यूरिया इज ऑन वर्क, वी कैन नॉट से दैट इट्स करेक्टली रिप्लेस्ड। ओके बेटा, क्योंकि हम ये पूरे सेल को थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को चेंज कर रहे हैं। जहां जहां पे क्लियर रिजल्ट्स हैं वहीं पर, वही एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं। क्लियर? सीआईपीआर का बेटा अभी कोई क्लियर तो है नहीं, आई कैन नॉट गेस फॉर इट। डन? ओके, अब इसको आगे जाने से पहले एग्जैक्टली बोन ट्रांसप्लांटेशन ने काफी उसके अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन बेटा वहां पर भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेवलप हो जाते हैं, वो अनसस्टेनेबल बन जाता है इम्यून सिस्टम। कुसुम बेटा, जीन थेरेपी जो है परमानेंट क्योर तब है जब हम इसको अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में देख लेते हैं, ठीक है? अगर हमें ये ट्रीटमेंट करना है तो अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में करना होगा। हम अगर इसे लेटर फेज में करेंगे, जैसे चिल्ड्रंस में करेंगे या एडल्ट्स में करेंगे, तो वहां पर हमें बार बार इन्फ्यूजन करना पड़ता है, वहां पर एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट इज ऑनली, जीन थेरेपी इज ऑनली परमानेंट इन की इफ दिस इट इज परफॉर्म्ड इन अर्ली एम्ब्रायोनिक सेल्स। अगर एम्ब्रायोनिक सेल्स में ये परफॉर्म किया तब ये परमानेंट है। ओके, क्विज के लिए सब रेडी?
लेकिन मैम क्विज करवाने से पहले कुछ और भी करवाना चाहते हैं। देखो ये इसी का कल्चर बनाया गया है। लिम्फोसाइट्स पहले यहाँ से निकाले जाएंगे, उनको कल्चर किया जाएगा, फिर वायरस से वो जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, फिर ये जीन जो है हमारा इसको इन्फेक्ट करेगा, फिर यही कल्चर जो लिम्फोसाइट्स है ये वापस से हम डाल देंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअली जीन थेरेपी। हाँ ये एक्साइटमेंट देखकर बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इससे पहले मैम बताएंगी अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखो बेटे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो बेटा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, इसके बाद क्विज कर लेंगे। यस यस क्विज हम कल भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक बहुत बहुत बेहतरीन सा हमारा फिर से एक एप्लीकेशन रहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। डायग्नोसिस होता है कि किसी चीज के मतलब उसके बेस पे जाना, उसके ग्राउंड पे जाके उसे मॉनिटर करना, दैट इज वी कॉल इज एक्चुअली डायग्नोसिस, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास दो पेशेंट्स हैं, ठीक है, हम अभी भी जैसे हमारे पास कोरोना वायरस हैज बैडली हिट अस, सो अगर हम बात करेंगे जो कोरोना वायरस के दो केसेस हमारे पास हैं, एक है कि जिसमें सिम्टम डेवलप हुए हैं और दूसरा है जिसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं। जिसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो हम उसे हेल्दी कहेंगे, लेकिन जिसमें सिम्टम्स डेवलप हुए हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये कोविड पॉजिटिव है। ओके ग्रेट। अब जिसमें ये सिम्टम नहीं डेवलप हुए हमें पता है, लेकिन उस बेचारे को ये बीमारी है, ठीक है, तो हम कैसे पता करवा सकते हैं कि बिना सिम्टम डेवलप किए भी हमें हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमें अर्ली स्टेज में इस बीमारी के बारे में पता चले। उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है ये एक ऐसा टेक्निक होता है जहां पर हम किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी पैथोजन को, किसी वायरस को, किसी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को डिनोट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं विद बिफोर डेवलपिंग सिम्टम्स, ठीक है। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की वजह से हम बहुत ही अर्लियर स्टेज पे इस डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, डायग्नोसिंग की वजह से हम उसका बहुत सही समय पे उसका ट्रीटमेंट रिस्टोर करके उस पर्सन को बचा सकते हैं, ठीक है। जब सही टाइम पे ट्रीटमेंट होगा तभी तो इंसान बच सकता है। आप देखो अभी इतने सारे कोविड-19 केसेस हैं इंडिया में है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर भी हो रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। व्हाई? बिकॉज द थिंग इज दैट कि उन पेशेंट्स में अर्ली डायग्नोसिस हुई है, और वो अर्ली डायग्नोसिस जो है वो हमारी किसकी वजह से होती है, वो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की वजह से हुआ। यहाँ पर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी नहीं करते, यहाँ पर हम जेनेटिक लेवल पे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, आई कैन से इट इज मिली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उस जीन को, उस पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्लियर ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उस पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम ये बोलते हैं कि कोई भी डिजीज उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट तभी होगा, इफेक्टिव जिसे किसी को ऊपर वाला ना करे, कैंसर है तो जब हमें अर्लियर स्टेज में पता चलता है तभी हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर लेट स्टेज में, थर्ड फोर्थ स्टेज में पता चले कि इस बंदे को कैंसर है तो ऊपर वाला रहम करे वो बेचारा नहीं बच सकता। किसी को टीबी है लास्ट स्टेज में पता चल गया तो ये है, किसी को कोरोना वायरस हो गया लास्ट स्टेज में पता चल गया तो बचने के चांसेस नहीं है। तो किसी भी डिजीज का इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज वी मस्ट गेट अर्ली डायग्नोसिस, एंड दिस अर्ली डायग्नोसिस कैन बी मेड पॉसिबल बाई, दिस इज मेड पॉसिबल बाई मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इट्स पॉसिबल ओनली थ्रू मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं। एक होता है यूज ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोब्स, मॉलिक्यूलर प्रोब्स जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज वी कॉल एज PCR, जो मैंने आपको बताया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पर हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की। सेकेंड इज वी कॉल एज ELISA, यही तीन हम पढ़ेंगे बिकॉज ओनली दिस वन इज इन योर NCERT।
मॉलिक्यूलर प्रोब्स, पीसीआर एंड इलाइसा। इलाइसा का एक बार क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, अब हम पहला स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट आर एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर प्रोब्स। ठीक है, सब रेडी है, कोई डाउट तो नहीं? सबको समझ आ रहा है यहाँ ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन द चैट बॉक्स? ओके। ओके, यस, दैट्स ग्रेट। अब हम पहला यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट दिस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ओके, मॉलिक्यूलर प्रोब्स, व्हाट आर मॉलिक्यूलर प्रोब्स? प्रोब और प्राइमर क्या होता है पहले ये बताओ। प्राइमर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इट इज अ, वी कैन से 17 to 18 base pair long DNA or RNA fragment. ठीक है, ये प्राइमर जो होता है, वी ऑल्सो कॉल इट एज ऑलिगो, वी से इट एज अ स्मॉल सेगमेंट, और वी कैन सी इट्स मेड अप ऑफ ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, एक छोटा सा यूनिट। ओके, एंड प्रोब क्या है? अब अगर हम इसी ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड की लेबलिंग करेंगे, इफ इट्स रेडियो लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि इट्स रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ताकि जब हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये हमारा बिल्कुल ग्लोरिफाइड हो, जब हम इसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नीचे देखें तो ये हमारे लिए कैसे अपियर होगा? इट विल अपियर टू बी ब्लस्टरिंग, चमकीला। ओके, प्रोब हमेशा क्या होता है, जैसे हम डीएनए प्रोब्स बताते हैं, हमें आगे टॉपिक पढ़ना है कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पे एक टॉपिक होता है, वहां पे एक स्टेप होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम यहां से क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, डीएनए प्रोब्स यूज करते हैं। डीएनए प्रोब्स एक्चुअली आर्टिफिशियली सिंथेसाइज डीएनए, दीज आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, जिनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें पता है क्या है। ओके, क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके बेटा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मुझे लगता है आपकी क्लास का टाइम हो गया इसलिए बच्चे ना।
ठीक है बच्चों सुनो, हाँ मॉलिक्यूलर, देखो हमने कहा मॉलिक्यूलर प्रोब्स क्या होते हैं। प्रोब्स और प्राइमर में पहले क्या डिफरेंस है आपको ये बताती हूँ। प्राइमर हम बोलते हैं कि वी कैन से इट इज जस्ट अ 17 to 18 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट या आरएनए फ्रेगमेंट हमारा प्राइमर होता है, ठीक है। अगर हम इस प्राइमर को वी विल एक्चुअली लेबल इट विद सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका जो इफेक्ट होगा ये ग्लोरिसेंट बनेगा, इट विल स्टार्ट इमिटिंग लाइट, इट विल बिकम हाईली फ्लोरिसेंट इन नेचर, ठीक है। इसे लोकेट करना बहुत इजी होगा एक नॉर्मल प्राइमर से, ठीक है। इस तरह के प्राइमर को जिसे हमने रेडियो एक्चुअली लेबल किया है, जिसे हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था, जिसकी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हमें पता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है इसका, वो ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्रोब कहेंगे। समझ आ गया? डीएनए प्रोब्स हमने कहा सिंपली दीज आर एक्चुअली आर्टिफिशियली सिंथेसाइज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, जिन्हें हम किसमें यूज करेंगे, दे आर यूज इन, वी कॉल इट एज, हम साउदर्न ब्लॉटिंग में इसे यूज कर सकते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम इन्हें यूज करते हैं, या हमारे पास एक और टेक्निक होती है जैट वी कॉल एज केमिल्यूमिनेसेंस, वहां पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो जाती है, इन्हें हम वहां पर यूज कर सकते हैं। डीएनए प्रोब्स हैव बीन इफेक्टिवली यूज इन साउदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न, साउदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ये साउदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, मुझे लगता है आप लोग अभी थक गए, ये पीसीआर और एलाइसा हम कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, डन। आई गेस आपका क्लास का टाइम भी हो गया है। ये क्या बातें हो रही है, हु इज डिस्टर्बिंग, मारू थप्पड़, सामने होते ना तो पता चल जाता। पबजी पबजी, गुड, सब कुछ क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं रहा पक्का। अब आप कहीं से भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन करना नहीं बने तो मैम यहाँ है, बायोलॉजी बॉन्कर, सो आप मेरे, सो यू कैन डू इट। इज दिस क्लियर? कल से जो मुझे लगेगा कि पबजी प्लेयर पढ़ ले, ये पबजी प्लेयर कौन है, देविंदर, ओके नो इश्यूज बेटा, वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ ब्लॉक। हाँ आई वॉज एक्चुअली चेकिंग कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो क्विज के लिए, डेफिनेटली आप कल परसों में कभी भी क्विज होगा, आई मैम विल टेक ए सरप्राइज क्विज, ओके। सो बिफोर लीविंग द सेशन डू लाइक इट, लाइक कर देना, ऐसे नहीं चले जाना। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। कोई बात नहीं देवेंदर, इट्स ओके, चिल चिल, टेक ए चिल पिल, ओके नो डिस्कशन। व्हेन आई एम टीचिंग मेक श्योर दैट आप बेटा पढ़ ही रहे हो, बिकॉज मेरा इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सब तो ऑलमोस्ट चले ही गए।